हेलो आंटी। हेलो बेटा, आज जे को 8 घंटे की ब्यूटी स्लीप की जरूरत है। आई नो आंटी, ऑफ कोर्स। चल यू स्लीप जे, विल सी यू लेटर। बाय। चल बाय। बाय आंटी। बाय बेटा, गुड नाइट। बाय आंटी। आज का दिन आपके लिए एक नई रोशनी लेकर आएगी। आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ा दिन है और हमें पूरा यकीन है कि आप बहुत सुंदर लगेंगे। वो तो हम लगेंगे ही। मनीष का लहंगा है इतना अमेजिंग, और वो जिम्मी के जूते, उनसे सुंदर जूते तो हमने आज तक नहीं देखे। और मॉम, हमारे वो झुमके। पर अब तो ये कमी है बेटा। व्हाट? राजकुमारी का शगुन भी तो खास होना चाहिए। वाओ मॉम, देवगढ़ के राजकंगन हैं ये, और इनकी अहमियत तो आप जानती ही हैं। ये आपके दादी साहब को उनकी दादी साहब ने दिए थे, और आपकी दादी साहब ने हमें। ये सिर्फ कंगन नहीं है, ये हमारे परिवार की धरोहर है। हमने सोचा था कि ये कंगन हम मान्यता को उनकी शादी में देंगे। उन बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं। अब इन पर सिर्फ आप ही का हक है। आजा 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 आजा, भागे 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 भागे, आर पास तेज तेज तेज। ये मेरी बच्ची फर्स्ट आ गई तो हाँ, अभी आप कम उछाले उछाले। अरे बाबू, मुझे इतने तारों में से डर लग रहा है। अपने बाबा पे भरोसा नहीं है? है बाबा। है ना? तो फिर से उछालते हैं। ये नहीं छोड़ोगी ना? नहीं बेटा, मैं तेरा हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? मुनिया, तुम ठीक तो हो? हमें ऐसे बाबू का किला छोड़ के नहीं आना चाहिए था आकाश। मुनिया, मुझे उस वक्त तुम्हारी सलामती के सिवा और कुछ नहीं सूझा। तुम्हारे बाबा ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें वहाँ से ले जाऊं, तो मैंने बस वही किया। पर आकाश, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, तो फिर ये मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? इस सवाल का जवाब या तो तुम दे सकती हो या तो तुम्हारे बाबा। कुछ तो गलत फहमी है आकाश। इन लोग ना बाबा को जरूर कोई और ही समझ रहे होंगे, तभी तो ये मेरे और मेरे बाबा के पीछे पड़े हुए हैं। न जाने इनको बाबा से क्या चाहिए। इनका ना दिमाग घुटने में है और सर में मकड़ी की जाल लगे हुए हैं। हाँ नहीं तो तभी तो मेरे बाबा को ले गए। मुनिया, वो लोग जो भी हैं बहुत खतरनाक लोग हैं। तो क्या हुआ आकाश, हम भी लड़ेंगे, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। बाबा ने तुम्हें उनके बारे में बस स्टॉप पे कुछ कहा था क्या? उनके बारे में नहीं, पर हाँ तुम्हें एक बात बताने को कहा था। वो कह रहे थे कि उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही सच है कि वो तुम्हारे बाबा हैं और तुम उनकी बेटी। आकाश, बाबा को मेरी जरूरत है, मुझे यहाँ पे नहीं उनके साथ होना चाहिए। मुनिया, जब भी सही वक्त होगा हम लोग उनके पास चलेंगे। सही वक्त कब होगा आकाश? उनका बुरा वक्त खत्म होने के बाद। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। मुनिया, हम उनकी मदद तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो कि वो लोग कौन है जो उनके पीछे पड़े हुए हैं।
खुश रहिए। जी तो गौरेल, जस्ट रियलाइज कि आज के बाद उधर सिंगल नहीं रहेगा, हम ये सदमा कैसे सह पाएंगे? आपको दामाद के रूप में देखकर हमें बेहद खुशी महसूस हो रही है उदय बेटा। आइए आइए, चलो आओ बेटा। फोटोग्राफर्स थकते नहीं क्या? पागलों की तरह फोटोग्राफ्स क्लिक किए जा रहे हैं। आई मीन क्रेजी। हेलो माय डार्लिंग। हाय ब्यूटीज। हाय विजय भाई। जय भाई। आज तो हमें भाई मत बुलाओ। अरे भाई, तुम तो इस घर की डॉन हो, दिन भर सब पे अपना हुक्म चलाती रहती हो और फिर कहती हो हमें भाई मत बोलो ना। आउच। चलो आज के दिन हम आपको भाई नहीं बोलेंगे, ऐसे मानना पड़ेगा। आज तुम बिल्कुल पटाखा लग रहे हो। पिछले कुछ दिनों यहाँ इतना ड्रामा हो गया, तुम्हें होना चाहिए था हमारे साथ। बिल्कुल आखिरी वक्त पर आए हो मेहमानों की तरफ पार्टी अटेंड करने। वो तो इसलिए कि हम तुम्हें उदय को लेकर कोई कंपटीशन नहीं देना चाहते थे। उस कंपटीशन का तो सफाया हो गया, अब उदय सिर्फ हमारा है। अच्छा वैसे ये बताओ, घर की ये दोनों ड्रामे पास औरतें कैसी है? वो इस रिश्ते को लेकर खुश है या वो भी वो? जीएस तो ये सब कुछ देवगढ़ के रियासत के लिए कर रही है। ओह माय गॉड। और मॉम, मॉम ने तो हमें ये दिए, देखो। वाओ, मान्यता के कंगन। अब फाइनली मान्यता के भूत से पीछा छूटेगा। वैसे अब उसके हिस्से का सब कुछ हम दोनों आपस में बांट लेंगे। नॉट सब कुछ, उदय सिर्फ हमारा है। मुनिया सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ, याद करो, क्या तुमने कभी भी कहीं भी बचपन में इन लोगों को कभी देखा है? कहीं इन्हीं लोगों की वजह से तुम्हारे बाबा एक शहर से दूसरे शहर भागते तो नहीं रहते? मुनिया, लगता है वो गाड़ी हमारा पीछा कर रही है, कस के पकड़ो। आकाश बाइक रोको। आकाश, मैंने कहा बाइक रोको वरना मैं कूद जाऊंगी। क्या? बाइक रोको आकाश। मैंने नहीं जाना आकाश। मुनिया कहाँ जा रही हो? मैंने नहीं जाना, मैंने बाबा पास जाना है आकाश। मुनिया, तुम्हारे बाबा ने खुद मुझे तुम्हें वहाँ से दूर ले जाने को कहा था, तुम्हें वहाँ खतरा है, अब चलो यहाँ से, कहीं पर भी हमारा ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है। पर आकाश बताओ तो सही कि सब क्या हो रहा है, वो लोग कौन थे और वो बाबा को क्यों ले गए, न जाने बाबा किस हाल में होंगे। मुनिया, इस वक्त तुम्हारा महफूज रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। मुनिया चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। जी पुरोहित जी, बताइए। महाराज, इनके तो ग्रह। पुरोहित जी, आपको जो मिलवाना है अभी मिलवाइए,
बाद में कुछ मत कहिएगा। परंतु राजकुमारी का तो रोहित जी, ग्रह हमें नहीं चलाते, हम सूर्यवंशी हैं, इन ग्रहों को हम चलाते हैं। जी महाराज। आप देखिए, जो भी समस्या है उसका उपाय जरूर होगा। देखिए जी, जैसा आप चाहते हैं महाराज वैसा ही होगा। हम रुके की विधियां प्रारंभ करते हैं। बधाई हो आपको भी ब्रजराज। बताइए बेटा। Excuse me. हेलो मेरी होने वाली वो क्या कहते हैं ननद, राइट? अच्छी लग रही हो। सिर्फ अच्छी? बहुत अच्छी। दादा तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं। करने दो, थोड़ा इंतजार करना सेहत के लिए अच्छा होता है। जय, कैन आई आस्क यू समथिंग? पूछो। वेल आई नो कि ना तो ये सही मौका है और ना ही सही जगह, पर आई हैव टू आस्क यू दिस। जी तुम्हें लगता है कि ये फैसला सही है? क्या तुम यही चाहती हो? हम जयगढ़ की महारानी बनने वाले हैं, हमें बचपन से यही चाहिए था उन्नति। और वैसे भी हम तो कब से महारानी बनने के लिए तैयार बैठे हैं। जे, महारानी बनना और शादी करना ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। तुम अपने दादा को हमसे बेहतर जानती हो उन्नति। हमारी शादी तभी कामयाब होगी जब हम एक कामयाब महारानी बनेंगे, और जयगढ़ को हमसे बेहतर महारानी कोई दूसरी मिल ही नहीं सकती। चले, मान्यता को हमेशा के लिए भुला देने का वक्त आ गया है। आफ्टर ऑल रियासत में रानियां चाहे जितनी भी हो, महारानी सिर्फ एक होती है। अरे वाह, स्वागत के इंतजाम तो अच्छा किया है। आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार माँ साहब। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज के हमारे इस जश्न में आप शरीक हो सके। लाओ भाई लाओ, ये लीजिए। थैंक यू। महल तो बहुत अच्छा सजाया आपने। अपनी यूके की ट्रिप कैंसिल करवा कर सीधा आपके पास आ रहा हूँ भाई। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू वेरी मच। आइए ना, आइए भैया। अरे डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बस फाइन। पिछली बार धनराज पैलेस रिसोर्ट की डील के सिलसिले में आपसे मुलाकात हुई थी। यस। मैंने तो सोचा कि अरे आपका गिलास खाली है। अभी बात। वेटर, प्लीज रिफिल द ग्लास। एक्सक्यूज मी। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। रश्मिता, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आप जानते हैं हम इस वक्त मसरूफ है, ये बात कुछ देर बाद भी तो हो सकती है। अंगूठिया आ गई। एक मिनट हमारे पास सुन लीजिए, ये मुरारी के बारे में है। अंगूठियां यहां रखिए हमारे। डॉक्टर साहब, मुरारी पकड़ा गया राजमाता। आपको पूरा यकीन है कि वो मुरारी ही है? पहले भी कई बार हम धोखा खा चुके हैं। मुरारी पुलिस की हिरासत में है, वो मुरारी ही है। और मान्यता, वो कहाँ है? इससे पहले कि हम उन तक पहुंच पाते, वो वहां से फरार हो गई। मगर मेरे आदमी उनके पीछे लगे हुए हैं, बहुत जल्द वो भी हमें मिल जाएंगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 16 साल बाद मुरारी पकड़ा गया,
फिर भी हमारी मान्यता नहीं मिली। वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी राजमाता, बस दो चार दिन की बात, हम उन तक भी पहुंच ही जाएंगे। और पुलिस ने उन्हें जाते हुए पीछे से देखा था, उनके कपड़ों की शनाख्त भी हो चुकी है। पुलिस को आपने इसमें शामिल कर लिया और हमें नहीं, मुरारी से ज्यादा जरूरी मान्यता है डॉक्टर साहब। ये बात आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। आपको सबसे पहले मान्यता को ढूंढना चाहिए था। राजमाता, उस वक्त सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि हम राजकुमारी मान्यता तक पहुंच ही नहीं पाए। माँ सर, आप यहाँ हैं, सब आपका इंतजार कर। डॉक्टर साहब, आपने अभी अभी क्या कहा? आप किस तक नहीं पहुंच पाए? मुरारी पकड़ा गया। और हमारी बेटी, वो कहाँ है? कैसी है वो? और ये सब कब? यारे, खुद पकड़े जाने के बावजूद मुरारी मान्यता को इस परिवार से दूर रखने में कामयाब रहा। 16 साल बचता रहा, लेकिन अब नहीं बचेगा। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपने गुस्से को काबू में रखिए। मुरारी को मारने के लिए बंदूक उठाने से पहले कम से कम उससे पूछ तो लीजिए कि आपकी बेटी मान्यता कैसी है, कहाँ है, किस हाल में है। मां साहब, ये सब कब हुआ डॉक्टर साहब? कब हुआ ये सब? और आपने हमें खबर करने की जरूरत ही नहीं समझी। आप यहां अपनी रियासत चला रहे हैं, हैं? और इस खबर के लिए आपको आज से बेहतर कोई दिन मिला भी नहीं। ब्रजराज, डॉक्टर साहब ने हमारे परिवार के लिए इतना बड़ा काम किया है और आप हैं उन्हें शाबाशी देने के बजाय आप उन्हीं से बहस कर रहे हैं। मां साहब, दुनिया भर के मेहमान आए हुए हैं बाहर, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? बाहर रोके की विधियां शुरू हो गई हैं। आप बताइए हम क्या कर सकते हैं। मां साहब, हम क्या कर सकते हैं? आप हमारी बेटी को मुरारी के कब्जे से रिहा करके घर भी तो ला सकते हैं। सोचो मोनिया, याद करने की कोशिश करो। ये यादें भी हमारे साथ अजीब खेल खेलती हैं। कभी कभी हमें लगता है कि ये सब कुछ हमारे साथ घटा है, पर वैसा होता नहीं। और कभी कभी जो घटना हमें ख्वाबों में नजर आती है वही सच होती है। इसलिए कह रहा हूं मोनिया, याद करने की कोशिश करो। इस पहेली को सिर्फ तुम सुलझा सकती हो। बाबा के अलावा तो
का कुछ ठीक से याद नहीं है और बाकी सारी यादें धुंधली धुंधली सी हैं। तुम्हारी माँ, उनके बारे में कुछ याद है? याद तो नहीं है, पर इतना पता है कि जब मैं छोटी थी तब भी वो गुजर गई। बाबा उनके बारे में कभी बात नहीं करते, इसलिए मैं भी नहीं करती। पर कभी कभार रात को चौकर उड़ जाती हूँ, ऐसा लगता है शायद उनकी याद आ रही है। तुम्हें अजीब नहीं लगता कि तुम्हारे बाबा कभी तुम्हारी माँ के बारे में बात नहीं करते? माँ की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा था बाबा को, इसी वास्ते। पर तुम्हारे पास कोई उनकी तस्वीरें, कोई चिट्ठियां, कपड़े या सामान कुछ तो होगा ना? हमारा सामान तो शहर शहर छूटते रहता है, इसमें शायद कुछ भी नहीं है। आई डोंट बिलीव दिस। डॉक्टर अंकल, एक बार फिर आप हमारी खोई हुई दुल्हन ढूंढ के लिए आए? हम जानते हैं कि हम पहले 2-3 बार गलती कर चुके हैं, पर इस बार मुरारी पकड़ा गया है और पुलिस और हमारे आदमी दोनों मान्यता के पीछे हैं। हम जरूर उन्हें ढूंढ निकालेंगे, कुछ ही दिनों में या फिर कुछ घंटों में। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं। कम से कम रोका तो संपन्न कर ले, बाहर सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। रोका? कैसा रोका? बुआ, शायद आपने डॉक्टर अंकल की बात ठीक से सुनी नहीं। हमारा रोका मान्यता के साथ हुआ था और अब जबकि मान्यता बहुत जल्द लौट आएंगी तो 6 के साथ शादी करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। Damn it! खुद से भी ज्यादा आपकी खातिर डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि मान्यता हमें मिल जाए। वरना आज के इस फैसले का अंजाम बहुत बुरा होगा, हमारे लिए ही नहीं आपके लिए भी। ब्रजराज, महाराज ठीक कह रहे हैं। राजमाता, हमें और समय बर्बाद न करते हुए जितनी हो सके उतनी जल्दी मुरारी से जाकर पूछताछ करनी चाहिए। तो चलिए, अभी चलिए, हम अपने इन्हीं हाथों से उसकी जान ले लेंगे। चलिए प्लीज, गुस्से में कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा जिसकी वजह से हम एक बार फिर मान्यता तक पहुंचते पहुंचते रह जाएं। एक्चुअली हम भी आपके साथ चलते हैं। चलो चलिए रो साहब। उदय बेटा, उदय बेटा, कहीं से भी हमारी मान्यता को ढूंढ लाइए। अब बहुत हो गया, बस। दादी साहब, हम वादा करते हैं आपसे कि हम मान्यता को बहुत जल्द आपके पास लेंगे। ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? पूछना तो दूर, किसी ने कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा। और क्या क्या बातें चल रही थी डीएस के कमरे में? क्या बताओ, कोमल मामी तो जैसे पूरी की पूरी सफेद हो गई थी, उनके चेहरे से तो रंग ही उतर गया था। और हमारी नानी सा एज यूजुअल अपनी असली फीलिंग्स छुपाने की कोशिश कर रही थी, बट उनके पैरों तले डिजाइनर कारपेट खींच गया था, साफ साफ दिख रहा था। एंड द हाईलाइट ऑफ द सीन वाज ब्रजराज मामा। वो तो इतना गुस्सा हो गए थे कि उसी वक्त मुरारी के सीने में 6 की 6 गोलियां दाग देने के लिए तैयार थे। तो बेसिकली हर कोई सिर्फ और सिर्फ मान्यता के बारे में सोच रहा था और बड़ी आसानी से भूल गए कि बाहर तुम्हारा रोका होने वाला है। हाउ ब्लरी कन्वीनियंट। फाइनली रोका किसके कहने पर कैंसिल कर दिया गया? Who else but your near and dear युवराज देवी। वो हमेशा से खुदगर्ज तो था ही, बट इतनी जल्दी पार्टी बदल गए कभी नहीं सोचा था। हमारे बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, हमारे मॉम डैड ने भी नहीं।
तक ये लड़की इस घर में आई भी नहीं और उसने हमारी लाइफ तबाह कर दी है। आई जस्ट होप कि वो कभी ना मिले, क्योंकि अगर वो मिल गई तो हम उसका इस घर में जीना मुश्किल कर देंगे। साथ के बाद आज पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है। जिस रात तुम्हें हमारी पेट में छुरा काटा था, 16 साल बाद ही सही, इंसाफ होगा मुरारी, तुझे सजा मिलेगी। हमारी बेटी का जवाब दे मुरारी, वरना इन्हीं जेल की दीवारों में तुझे जिंदा चुनवा देंगे हम। हमारी बेटी का है वो, आपकी नहीं महाराज, मेरी बेटी है, मेरी बेटी।